हेलो बच्चों, जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम 19 एंड 20 नवंबर SBI कलर के लिए है, उन लोगों से बस मेरा एक यही एडवाइस है कि आप थोड़ा गेम प्लान करके जाओ। आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर से हट के इस बार जो है SBI कलर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कर क्या रहा है, इसमें सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की संख्या को बढ़ा दे रहा है। तो आप ऐसा है कि नहीं कि आपको पजल और सेटिंग इवेंट नहीं बनेगा, बनेगा 100% बनेगा। जिन जिन बच्चों क्लास हम लिए हैं वो डेफिनेट बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन पजल और सेटिंग इवेंट अगर आपको बढ़ेगा तो थोड़ा सा अटेम्प्ट क्वेश्चंस कम होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो 3-4 दिन बचा हुआ है, ठीक है, तो इसमें आप कर क्या सकते हो? आप केवल ज़्यादा से ज़्यादा इन पर फोकस करो, पजल और सेटिंगमेंट का फोकस करो, और कम से कम 2 सेट प्रैक्टिस रोज करो, और 2 सेट प्रैक्टिस करने के पश्चात उसका एनालाइज करना ना भूलो। एनालाइज करो, उसमें जो डाउट होता है उस डाउट को क्लियर करो, देन फिर क्या करो, आप सेट प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब तक पहला सेट का डाउट क्लियर नहीं हो जाता है तो सेकेंड सेट का आप डाउट के लिए आपको सेट सेकेंड सेट के लिए आप एग्ज़ाम मत दो। अगर सेकेंड सेट का डाउट क्लियर हो जाता तब थर्ड सेट के लिए भरो। तो धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ना पड़ता है, ठीक है। और सक्सेस का निशानी है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम जो निकलता है वो सेट प्रैक्टिस से निकलता है। अगर हम बोलेंगे कि मान लो कि हम पजल सिखा दिए, सेटिंग इवेंट सिखा दिए, ठीक है, इनइक्वालिटी सिखा दिए, कोडिंग डिकोडिंग सिखा दिए, सिलोजम सिखा दिए, इन सभी चैप्टरों को सिखा दिए, ठीक है, आप सीख लिए हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, जब स्पीड बढ़ेगा तो आपको एक्यूरेसी बढ़ेगा, क्लियर है। और विदाउट आप सेट प्रैक्टिस किए हुए कम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो तो डेफिनेट आपका नंबर जो होगा वो कम आएगा। किस में? मैथ और रीजनिंग में। तो मैथ और रीजनिंग को ठीक करने के लिए आपको सेट प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन ये आ रहा था, सर क्वेश्चन तो हम जानते थे लेकिन समय कम था। सर समय क्या था? कम था। तो ऑलमोस्ट समय कमी है और सबके लिए कमी है। अब कौन सा एग्ज़ाम जो है वो 1.5-2 घंटा का हो रहा है, यहाँ तक SSC CGL भी क्या किया, अपना टाइम लिमिट को क्या किया, घटाया है, और वो 1 आवर में आपका एग्ज़ाम आपका Tier 1 लेके आया है। तो सभी का टाइम घट के वो 1 आवर में आ रहा है, और उसी 1 आवर में आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आप लोग को चलना पड़ेगा, और उसके चलने के लिए आपको सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लियर है। हाँ, जब सेट प्रैक्टिस करोगे तो आपको डेफिनेट जो होगा, अभी क्लियर है? अभी बोलोगे सर अब 3-4 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, आप क्या कर लेंगे, क्या क्या हो सकता है? अभी कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अपकमिंग जो एग्ज़ाम आपके लिए आने वाला है उसका प्लान आप लोग कर सकते हो। और जब तक आपका प्लान नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए, अगर प्लान सटीक नहीं बैठेगा वो कभी भी आपको सक्सेस की दहलीज तक पहुंचा नहीं पाएगा, कभी भी सक्सेस का दहलीज तक आप जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो सक्सेस का दहलीज को पार करने के लिए आपको प्लान करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, उसके लिए कोई भी बॉलर जो है बॉलिंग करने से क्या होता है, घबराने लगता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो उसके ऊपर अगर प्लान किया जाए, अगर हम बॉल से आउट नहीं कर सकते हैं तो रन आउट भी कर सकते हैं, इस तरह का प्लान कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो प्लान सटीक होना चाहिए। तो ऑलवेज जो अपकमिंग जो आपका एग्जाम होगा, जैसे कि SSC CGL होगा, इसके बाद आप लोग देखोगे कि मान लो IBPS SO आ चुका है, 2-3 मंथ के बाद आप देखोगे फिर SBI आएगा, क्योंकि ये वाला SBI जो है वो मार्च अप्रैल में आने वाला था, जिसको टान टान के आपको अक्टूबर नवंबर तक ले आया। तो डेफिनेट जो होगा आपका SBI का एग्ज़ाम फिर से आपको देखोगे मार्च और अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, और मई जून में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो उन एग्ज़ाम को निकालने के बारे में सोचो। तो उसका एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, उसका बस एक ही की है, सेट प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि बोले सर सेट प्रैक्टिस कैसे करें। मेरा जहाँ तक राय है अभी कम से कम आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ सेट प्रैक्टिस आप ऑफलाइन करो,
एविजन का बहुत सारे मटेरियल जो सेट प्रैक्टिस के ऊपर है, आप उस सेट प्रैक्टिस को करो, देन वहाँ से अगर आपको क्वेश्चंस पर पकड़ बनता है तो उसके बाद क्या करो, आप ऑनलाइन में आओ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सेट वन प्रैक्टिस करते हो, तो सेट वन प्रैक्टिस करते हो, सेट टू में जाने से पहले सेट वन का सभी डाउट को क्लियर करो, ठीक है। सेट वन का सभी डाउट अगर आपका क्लियर होता है, बाकायदा एक मैथ की कॉपी, एक रीजनिंग कॉपी और एक इंग्लिश की कॉपी बनाओ और उसमें प्रत्येक डाउट को अपना लिखो और उसको डाउट को क्लियर करो। जब नेक्स्ट सेट देने के लिए आओ तो पहला जो डाउट था उसको एक बार देख लिया करो, फिर नेक्स्ट सेट पर जाओ। जब नेक्स्ट सेट पर जाओगे तो ऑलमोस्ट उसका भी डाउट होगा, तो मैथ में मैथ का डाउट लिख दो, रीजनिंग में रीजनिंग डाउट लिख दो और आप इंग्लिश में इंग्लिश डाउट लिख दो। अब थर्ड सेट देने के लिए जाओगे तो इसके लिए क्या करोगे, पहले दो सेट का पूरा जो जो डाउट था उसको एक बार देख लो, फिर आप क्या करो थर्ड सेट में जाओगे। तो सोचो कि एक सेट में आपका 100 क्वेश्चंस क्या होता है, आपका क्या होता है, एनालाइज होता है। दो सेट में 200 क्वेश्चन, तीन सेट में कितना होगा 300 क्वेश्चन। जब ऐसे करते 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 जब 10 सेट में आओगे तो 1000 क्वेश्चन में पकड़ बनेगा। उसी तरह जब 20 सेट में आओगे तो 2000 क्वेश्चन में पकड़ बनेगा। जब 30 सेट में आओगे तो 3000 क्वेश्चन में पकड़ बनेगा। जब आपके अंदर में 3000 क्वेश्चन का भंडार जमा हो गया, उस भंडार से आपको सही क्वेश्चन तो निकालना पड़ेगा, तो वह कहीं से भी निकल सकता है। क्लियर है? तो आने वाले एग्जाम के लिए सबसे बड़ा की यही है, सक्सेस करना है तो सेट प्रैक्टिस करना है। विदाउट सेट प्रैक्टिस के हम कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल नहीं सकते, आज में यह फिक्स है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम आएगा उसके लिए सेट प्रैक्टिस आपको करना है। बस इतना सा थोड़ा सा एडवाइस था उन बच्चों के लिए जो निराश होकर बैठ गए, निराशा का बादल छटेगा और आप लोग सक्सेस का स्वाद चखोगे, लेकिन उसको प्लान कर करोगे तब ना होगा बच्चा, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों।